कि कल उज्जैन में मुस्लिम समुदाय के शहर काजी ने प्रशासन को, जिलाधीश महोदय को, एसपी को, राज्य शासन को और मध्य प्रदेश के समस्त लोगों को कहा कि 15 मिनट में शहर की फिजा बिगड़ जाएगी। तो मैं शहर काजी से कहना चाहता हूं कि 2007 में भी आपने ये बात कही थी कि शहर की फिजा बिगड़ जाएगी, उसी दिन से आपकी फिजा हमने बिगाड़ दी थी जो आज तक ठीक नहीं हुई है। आपने फिर धमकी दी ओबीसी जैसी, आप यहां आतंक फैलाना चाहते हैं, आप लोग शांति भंग करना चाहते हैं, आपने ऐसी धमकी दी है। आपको पता नहीं उज्जैन जिले में 25 लाख हिंदू रहते हैं, यहाँ साधु संत रहते हैं, यहाँ महाकाल भगवान का मंदिर है। आपने सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान की सरकार को दबाने का प्रयास किया, शांति भंग करने का प्रयास किया है। आपने जिलाधीश महोदय को धमकी दी है और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ खुले मन से, जिन्होंने धमकी दी ओबीसी की भांति, इनका भी घर मकान तोड़ा जाए और इनको भी नगर से बाहर किया जाए। क्योंकि जो व्यक्ति दंगा भड़काने की बात करेगा, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की बात करेगा, उसे मध्य प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश के 7 करोड़ हिंदुओं, सुन लो, जहां भी ऐसा मौलाना काजी कहता है कि 15 मिनट का समय दो, उसे तत्काल उठाकर बाहर फेंक दो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब हिंदू समाज किसी भी परिस्थिति में मार नहीं खाएगा, ना ही किसी के आतंक को सहन करेगा। जो भी अपराधी है, शासन प्रशासन इनको दंड दे। ईद के दिन इनके यहाँ सिवैया खाना नेता हमारे बंद करे, प्रशासनिक अधिकारी इनकी गुलामी करना बंद कर देवे, सिर्फ अपना कार्य करे, अपनी ड्यूटी करे और प्रदेश में किस प्रकार से शांति कायम हो सकती है उस प्रकार की व्यवस्था बना के रखने का प्रयास करे। इसने कई बार, इसके समुदाय के लोगों ने हमें जान से मारने की धमकी दी है। मैं इसको सचेत कर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जिस दिन तुमने हमारे ऊपर रेत के दाना फेंकने का प्रयास किया, मध्य प्रदेश में इतने कब्रिस्तान बनेंगे कि दफनाने की जगह कम पड़ जाएगी। और ये धमकी दोबारा मत देना प्रशासन को, न किसी हिंदू समाज को। अब तुम्हारी बर्दाश्त करने वाला कोई भी समाज में नहीं है और ना ही तुम्हारी सुनेगा। जय महाकाल।